अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आपको आज कितनी तकलीफ थी, आप पर इल्जाम तक लग गए। अरे माँ बाप तक का दिल दुखाया हमने। हम ना हम सिर्फ अपनों को दुख देने के लिए बने। हमें ना जीने का कोई हक नहीं, हमें मर जाना चाहिए, मर जाना। शान, तुम्हें ना जो कुछ भी हुआ ना उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, लेकिन आज आज इस तरह से तुम मेरे साथ खड़ी रही, मेरा प्यार तुम्हारे लिए और बढ़ गया है। और एक बात समझ आ गई कि चाहे जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, लेकिन तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगी और ना मैं तुम्हारा साथ छोड़ूंगा। हाँ, लेकिन ये मरने मरने वाली बात ना दोबारा मत करना, वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा, और इतना गुस्सा आ जाएगा कि तुम मुझे मना भी नहीं पाओगे। नहीं उठा रहा है ससुर, कोई काम नहीं ना होगा। अरे जाओ जाके बोलो, जाओ, अरे जाओ भी। बड़े पापा, बोलो पंकज। हमें आपसे कुछ कहना था। बोलो, सुन रहे हैं। बड़े पापा, घर में ये सब क्या हो रहा है वो सुने ना, अपनी मासूमियत से रिझा के हमारे नमन को हमसे छीन ली। हम सब सह गए, जहर का घूंट पी गए, कुछ नहीं बोले, लेकिन आज आज उसने आपका सर झुका दिया, बाबू साहेब का, हमारे भगवान समान बड़े पापा का। आपको बहुत बुरा लगा, आप सब कुछ भूलकर उस नैनों को अपनाए, उसको इतना प्यार दिया, लेकिन वो मौका देखते ही आपका पगड़ी उछाल दी, झूठा साबित कर दिया आपको, वो भी सबके सामने। आपके दिल को बहुत चोट पहुंचाई है ना वो सुनैना, आप उसको कभी माफ मत कीजिएगा। आपको बेटे की कमी कभी महसूस नहीं होगा बड़े पापा। हम है ना सगी बेटी से भी अच्छी बेटियां बनकर दिखाएंगे हम आपको, और आपका सर कभी नहीं झुकने देंगे बड़े पापा। बिटिया, हमें गर्व है तुम पर और भरोसा भी। शुक्र है हमारा हर सिक्का तो खोटा नहीं निकला। खुश रहो। तुम हमको एक बात बताओ कि तुम मुंगेर से मुंबई कब जा रही हो? मुंबई? मुंबई कहाँ जाने लगी हो? तुम इतना भरिया भरा एक्टिंग करती हो। अरे तुम वो मुंबई जाके ना वहाँ के बॉलीवुड सिनेमा में जाके छा जाओगी तुम, कह रहे हैं हम। छाने को तो हम मुंगेर में भी छा जाए, लेकिन उससे पहले हम सुनैना की खुशी झलनी होते देखना चाहते हैं। अरे खाने का ही नहीं दे रही हमको तो? नहीं देंगे। कैसे कि गंगा में स्नान करते वक्त ना मछली खाने के बारे में सोचने बहुत बड़े पाप होता है, समझी? मतलब
मतलब कि तुम्हें जो वीरेन नक्षत्र है ना, उससे है कि तुम ना पक्के जल्द ना नमन सिंह का बीवी बनने वाली हो। मम्मी, आपको सच में लगता है कि नमन हमको मिलेगा? 100%। उपाय से कि ये जो सुनैना है ना, सुनैना और नमन सिंह का जो रिश्ता है वो धार धार तलवार पे है, और वो तलवार है सुनैना का सच्चाई, और जो दिन वो सच्चाई खुलेगा ना, सुनैना और नमन सिंह का रिश्ता कट जाएगा। उसके बाद तुम्हारा रिश्ता साफ, उसके बाद वो जो सुनैना है ना, ना घर का रहेगी ना घाट की, ऐसे कि उसका ससुराल वाले तो सुखर से धक्का मार के बाहर निकाल देंगे, और अपने जो बाबू साहिब है ना, वो तो वैसे भी घर का दरवाजा बंद करके रखे हैं उसने तेरे लिए। हमसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा मम्मी, अब जो भी होना है ना जल्दी से हो जाए। पंकू, उनके लिए ना तुमको नमन सिंह को अपना शीशा में उतारना होगा, सुनैना का जगह खाली होने से पहले तुम राजकुमारी और नमन सिंह का दिल में ना अपनी जगह बना लो। अब परेशान का ही होती हो, तुम इतनी बढ़िया बड़ी परफॉर्मर हो, संभाल लोगे तुम सब। पर कैसे संभालोगे सुनैना, कैसे संभालोगे बेटिया? तुम जहाँ गई हो वहाँ अपना अस्तित्व कैसे छुपाओगे मुझसे? अगर उन लोगों को तुम्हारे अस्तित्व का सच्चाई पता चल गया तो लोग तुमको नहीं स्वीकारेंगे। काहे चली गई तुम यहाँ से? यहाँ के दरवाजे भी अपने लिए बंद कर ली, और वहां अगर उन लोगों को सच्चाई पता चलेगी तो वो लोग भी तुमको नहीं स्वीकारेंगे। हमारी कोई समझ में नहीं आ रहा है क्या करोगी। हमें बहुत चिंता हो रही है, हमारा ना सोच सोच के कलेजा फट रहा है। बतिया, इसे संभाल लोगी तुम? चिंता मत करो माँ, हमने एक फैसला लिया है। फैसला? कैसा फैसला? हम मौका देखकर खुद नमन जी को अपनी सच्चाई बता देंगे माँ। तू बेवजह ही परेशान हो रही है श्रुति, और वैसे भी जो होना होता है वो होकर ही रहता है, किस्मत पर किसी का जोर नहीं। ये आवाज, ये कहीं शहरी साहब तो नहीं है? हमें पता लगाना होगा। ये एपिसोड देखिए यूट्यूब पर शाम 6:30 बजे। ये क्या कह रही हो, पगला गई हो का? सुने ना तुम, अगर नमन जी का प्यार सच्चा हुआ ना माँ, तो वो हमें अपने सच के साथ अपनाएंगे। ये तो उनसे ये वादा लेकर कि वो ये बात किसी को ना बताए, उसे बहुत दूर चले जाएंगे। ये दुनिया बहुत बड़ी है माँ, सुनैना को भी अपने अस्तित्व के साथ जीने के लिए छोटी मोटी जगह तो मिल ही जाएगी, है ना? नहीं सुनैना, नहीं नहीं बिटिया, ऐसा नहीं कर सकती तुम समझ नहीं रही हो। सुनैना सुन, देख नमन ना वो मर्द है, तू उसको सच्चाई बता देगी तो वो का उम्मीद टूट जाएगा, और उम्मीद टूट जाएगा तो रिश्ता टूट जाएगा, वो छोड़ देगा तुझे, सब प्यार का भूत सब सर से उतर जाएगा। तो मेरे बच्चे बहुत ही भोली और मासूम है, इस सब बातों को नहीं समझती। तुमने सोच लिया है माँ, और चुबा लिया आपने हमें अपने आंचल के पीछे, कुर्बानियां दे दी हमारे लिए, बहुत लड़ाइयां लड़ ली, सब और नहीं, सब और नहीं माँ। अब हम अपनी सच्चाई के साथ जिएंगे, जो सही लगेगा वही करेंगे माँ। सुनना सुनना बिटिया, हम क्या कह रहे हैं, तू यहाँ भाग कर आ जा। माँ बेटी ना, हम यहाँ से सबको छोड़कर चले जाएंगे, कोई तकलीफ नहीं माँ, बस बहुत हो गया, अब नहीं भागना है हमें इस दुनिया से ना किसी तहखाने में।
अब जो हमारी किस्मत में है ना, उसका सामना करेंगे। आप भाग के थक चुके हैं ना, आप अमन जी हमें अपना है ना अपना, हम खुद को अपना चुके हैं, ये जिंदगी का फैसला हम कर चुके हैं। बहुत बुरा हो जाएगा, तुम सच्चाई तो नहीं बता सकती। ठीक से संभाल कर। क्या हुआ बड़ी माँ, ऐसे हैरान परेशान कहाँ भागी जा रही है, कोई दिक्कत है? बड़ी माँ, बड़ी माँ, आपकी बेटी तो शादी करके ससुराल चली गई ना, तो आप अपना सारा गॉसिप, अपना दुख दर्द उससे तो नहीं बांटेंगी ना, तो आप हमें अपनी बेटी समझिए और हमसे दोस्ती कर लीजिए। हाँ पंकजा, तुम भी हमारी बेटी जैसी ही हो। अगर अगर हम आपकी बेटी जैसी है तो आप भी माँ जैसा भरोसा रखिए। आप बताइए, आपके चेहरे का रंग काहे उड़ा हुआ है, ऐसा कौन सा गम है जो आपको खाया जा रहा है, बताइए ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी उस बेटी का कोई राज आप अपनी इस बेटी से छुपा रही, वो राज जो खुल जाए तो कयामत आ जाए। कान्हा जी, आपकी चिंता गलत नहीं है, जो आपसे इतना प्यार करते हैं कि हमारी सच्चाई जानने का हक नहीं रखते। सच्चाई जानने के बाद भले ही वो हमें ठुकराते, हम उनसे इतना बड़ा सच छुपा कर उन्हें इतना बड़ा धोखा नहीं दे पाएंगे कान्हा जी। पर कान्हा जी, सुनैना को अपनी सच्चाई बताने से पहले अमन जी को थोड़ा और परख लेना चाहिए ना, एक बार देख लूं उनकी सोच कैसी है ना कान्हा जी। तो अब तो सुनैना बिल्कुल अकेली पड़ गई है, प्लीज प्लीज कोई रास्ता दिखाइए, मदद कीजिए। बस कर रही हो, कुछ भी बोलती हो, काम से काम रखो ना। बड़ी माँ, हम अपने काम से काम ही रख रहे थे, आपकी बेटी बीच में आकर अपना काम कर गई, हमारा मंगेतर उड़ा ले गई, और जब जब उसका नाम आएगा ना, तब तब हम उस पर सवाल भी उठाएंगे और उस पर शक भी करेंगे। क्या हुआ, क्या बात चल रहा है बड़ी मम्मी और भतीजी के बीच में? रमोला, अपनी बेटी को समझाओ ना, वक्त देखती है ना हालात, उलझल उल बातें करती रहती है बस। आप ना बिल्कुल सही कह रही है कुमुद दीदी, अरे पंकजा ना है ही बेल बुद्धि। अरे पंकजा, ई बखत नाम कुमुद दीदी का आंसू पोंछने का है, और आने वाला बखत भी। अरे तुम्हारी बड़ी मम्मी है, इनका जरा ध्यान रखा करो। आने वाला वक्त मतलब? हाँ, का मतलब है तुम्हारा? अब मतलब नहीं कुमुद दीदी, अरे वो कहा कहते हैं, अरे हमारा मतलब है, हमारे अंदर से ना आवाज आ रहा है कि नमन सिंह और सुनैना का जो ये शादी है ना, ये आपके लिए बहुत ही बड़ा अभिशाप है, एक श्राप है जो आपको कभी जीने नहीं देगा। आप ही देखिए ना, जब से सुनैना ससुराल गई है तब से लेके अब तक आपका जो सांस है वो बस तंगा ही हुआ है, और भाई साहब उनका तो पारा चढ़ा ही रहता है। हो सकता है कि हमरा भ्रम हो, पर ये भी तो हो सकता है ना कि ये भ्रम ना हो। अब,
खैर छोड़िए, हमको ये बताइए कि आप ना थोड़ी हड़बड़ाई हुई सी लग रही है, आपके लिए चाय लेके आए, आपका दिमाग शांत हो जाएगा। कुमुदीदी बताइए ना। चाहिए चाय। अरे कुमुदीदी, अरे आपका बिटिया ना पराई हो चुकी है, अब हम ही आपके अपने, आपकी अपनी इकलौती देवरानी और हमारी पंकजा। अरे कोनो दिक्कत कोनो परेशानी हो तो हम दोनों है ना आपकी सेवा में हाजिर। आप अपना ध्यान रखिएगा, हम चलते हैं। इनका जो किन्नर बिटिया है ना, वो इनके लिए सीनो भाईजन बना हुआ है, जो धीरे धीरे इनका जान ले रहा है और हमको धीरे धीरे सुकून दे रहा है। बस जल्दी से ये किन्नर का राज सामने आ जाए और नमन के दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाए, फिर उनको समेटने के लिए हम उनकी लाइफ में एंट्री मारेंगे। नमन जी अब क्या कर रहे हो? मैं अपनी बीवी को हग कर रहा हूँ, उसे प्यार कर रहा हूँ, तो प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो। नमन जी, वो पिछली बार से व्रत को तोड़ने के बारे में सोचा था तो देखा ना क्या हो गया, भगवान जी ने झटका दे दिया। सॉरी खाना जी, वो हमसे गलती हो गई, आप प्लीज हमें माफ कर दीजिए, वो हम दोनों तो छोटे बच्चे हैं ना, अब से नो मोर झटका प्लीज। सॉरी। अब नमन जी आज पूछे। हाँ पूछो। आप हमसे बहुत प्यार करते हो और इस बात का हमें कोई भी शक नहीं है, पर बहुत कितना है क्या आप हमें बता सकते हो? अब बस एक मिनट। हाँ, ये इंटरनेट कहाँ गया, इतना रोका नहीं दीजिए। मिल गया। हाँ लेकिन तराजू और स्केल तो है ही नहीं जो तुम्हें तोल के बता दे कि कितना करते हैं, लेकिन जब भी मिलेगा ना तो हम तुम्हें तोल के बता देंगे, तब तक इसको आराम से प्यार से यहाँ पर रख लेते हैं। नमन जी, अगर हम कहें कि सुनैना जो बाहर से दिखती है वैसे अंदर से नहीं है, तो आप क्या कहोगे? तो हम नहीं मानेंगे। देखो सुनैना, जिस सिचुएशन में हम मिले हैं उसमें मैंने तुम्हारे चेहरे से ज्यादा तुम्हारे दिल को देखा है। नमन जी, कई बार जो जैसा होता है वैसा दिखता नहीं। अगर आपको कल को पता चला कि हम कोई और है, क्या आपका प्यार हमारे लिए खत्म हो जाएगा? चलिए यहाँ से, ये माहौल में हम अपना बेटी को नहीं छोड़ सकते, इसको लेके चल रहे हैं, अपना देखरेख में रखेंगे। अरे ये लोग खुला काहे लिए घूम रहे हैं दरोगा, खूनी लोग हैं, गिरफ्तार करो इनको और पता करो हमारा बेटी के साथ कौन किया ये सब। सुनैना, जॉन बोलना है बेधड़क होके बोलो, कैसे इन लोगों ने तुम्हारा जान लेने का कोशिश किया बताओ। ये लोग जॉन नौटंकी किए तुम्हें बचाने का, तुम्हारा जान बचाने का, वो सिर्फ नौटंकी था, अब इन्हें दुश्मनी निकालना चाहते हैं। जी,
टेंशन में ना आपका चेहरा एकदम भीगी बिल्ली जैसा बन गया है। का? और नहीं तो का? हमारा मतलब है कि मुंह इतना सा हो गया आपका जीजी का, इसलिए तो हम आपके लिए स्पेशल ग्रीन टी लाए हैं। यो, टेंशन का नामो निशान मिटा देगी जीजी। हर मेघना, तुम्हारा ये दुनिया भर का टी का कलेक्शन है ना, अब वो भी हमारा टेंशन दूर नहीं कर सकेगा। ऐसा काहे कह रही है जीजी? ऐसे कि नरेश सिंह अभी भी घात लगाए बैठा है, हार बर्दाश्त नहीं हो रहा है उसको, और बर्दाश्त तो मेघना हमको भी नहीं हो रहा है। ना वो रिश्ता और ना वो लड़की सुनेगा। तो चीची लगाओ अपना कुटिल और कपटी दिमाग, कोई तरकीब निकालो ना। मतलब मेघना सारा काम हम ही करेंगे का? है? सुनो अमरी बात, सबसे पहले तुम कुछ ऐसा करो कि नमन और सुनैना एक हो जाए। जो हुकुम जीजी। देखो सुनैना, मेरे प्यार की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है और ना ही मेरा प्यार किसी टर्म्स एंड कंडीशन के साथ चलता है। अगर तुम बदल भी गई तो तुम्हारा दिल हमेशा वैसे ही रहेगा जैसा है। और एक और बात, तुम इस जन्म में चाह के भी मुझसे अपना पीछा नहीं छुटा सकती। hey, सहना, क्या हुआ? कुछ कुछ नहीं। तुम लड़कियां भी अजीब होती, पहले हम लड़कों की दिल की बात जानती हो, अगर हम झूठ बोले तो फिर उस पर गुस्सा करती हो, और अगर हम सच बोले तो फिर इन क्यूट आंसू से रोती है। आई लव यू सुनैना, आई रियली रियली लव यू सुनैना। काश आपका ये डर कभी खत्म ना हो ना मुझे।